हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहा, आपके पास ये रकम नहीं है? आमिर खान ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। आमिर ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। आमिर के इस कदम से लोग हैरत में पड़ गए हैं। कोई भी एक्टर आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उलझता, लेकिन आमिर न सिर्फ कांग्रेस से उलझ गए हैं बल्कि बाकायदा FIR भी करा दी है। दरअसल हाल ही में आमिर खान का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धड़ल्ले से शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, भारत का हर नागरिक लखपति है क्योंकि सबके पास कम से कम 15 लाख तो होने ही चाहिए। क्या कहा, आपके अकाउंट में 15 लाख नहीं है तो आपके 15 लाख कहाँ गए? तो ऐसे जुमलेबाजों से रहें सावधान, नहीं तो होगा तुम्हारा नुकसान। देश हित में जारी। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहा, आपके पास ये रकम नहीं है तो कहां गए आपके 15 लाख रुपए? जुमलेवादों से रहो सावधान, नहीं तो होगा तुम्हारा नुकसान। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। वीडियो के मुताबिक लोकसभा चुनाव देश भर में शुरू हो गए हैं और ऐसे में बताया गया है कि आमिर कांग्रेस के पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं। आमिर का ये वीडियो हर तरफ वायरल हो गया। जब आमिर की आंखों के सामने ये वीडियो आया तो वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो डीप फेक है जिसमें आमिर की सिर्फ वीडियो नजर आ रही है। आवाज को AI तकनीक से बदल दिया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आमिर ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। आमिर के प्रवक्ता ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आमिर खान ने अपने 35 साल के करियर में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने पिछले कई चुनावों में चुनाव आयोग के जन जागरूकता अभियानों के जरिए सिर्फ जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। आमिर के इस बयान के बाद अब इसे शेयर करने वालों की धोती खुल गई है, लेकिन आमिर कांग्रेस के इस झूठ से बेहद नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पर चर्चा।